क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल यूसुफ कालगे। मोहम्मद बिलाल यूसुफ कालगे जी। मोहम्मद बिलाल, तुम किस कंपनी में जा रहे हो? जवाद बिजनेस ग्रुप। जवाद बिजनेस ग्रुप में जा रहे हो, किस काम में जा रहे हो? मोटर डिलीवरी बॉय में जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो 1100 दिरहम है, कितना है ज्वाइनिंग सैलरी? 1100 दिरहम है। एकोमोडेशन इसका कितना है? 750 है, ये 250 है, राइट है। जब तुमको, तुम जा रहे हो मोटर बाइक डिलीवरी बॉय में, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस वहाँ का नहीं है, ठीक है। तो लाइसेंस जब तक नहीं बनता है तब तक तुमको किचन हेल्पर में काम करना होगा। जब लाइसेंस बनेगी कंपनी तुमको 1600 दिरहम देगी। कितना देगा? 1600 दिरहम कंपनी देगी। लाइसेंस बनने का समय 6 महीना भी लग सकता है, 6 महीना से कम भी लग सकता है, 6 महीने के ऊपर भी जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? गाड़ी तब मिलेगा जब लाइसेंस बने, अगर लाइसेंस तो गाड़ी चला नहीं सकते। कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो? दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो। दो साल जब कंप्लीट करोगे तो कंपनी आने का भी टिकट देगी, फिर छुट्टी से जब वापस जाओगे तो जाने का भी टिकट देगी, 2 महीने का बोनस भी देगी। बात समझ में आ? लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ के आते तो कंपनी वहाँ पे आपसे वीजा चार्ज मांगती है, और फिर आपको वापस आने के लिए आपसे टिकट का चार्ज मांगती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है, ये साइन किसने किया है, इस पे क्या लिखा हुआ है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ता है वही गुनहगार होता है ना। कंपनी अगर ले जाती है, कंपनी बोलती है कि मेरे पास काम नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन आप जाते हो और आप कहते हो कि मैं काम नहीं करूँगा, मेरे घर में कोई बीमार है, तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, क्योंकि दोनों, ये एग्रीमेंट किसके लिए बनता है? दोनों के लिए बनता है, आपके लिए भी उसके लिए भी, ताकि अगर वहाँ ले जाके आपको सैलरी ना दे, इसलिए एग्रीमेंट बना है ना कि भैया देखो हमारी तो बात ये हुई। हो सकता है मैं झूठ बोलूँ, ये पेपर तो जवाब का झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए एग्रीमेंट मांगा। बात समझ में? अच्छा, वहाँ जाने के बाद दारू पिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, इलीगल काम किया, गैर कानूनी कोई काम किया, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वहाँ गैर कानूनी काम करने आप नहीं जा रहे, आप कंपनी में काम करने जा रहे। कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो। बेसिकली सर, आपने पहले भी कहा था कि कम से कम कितने टाइम के बाद लाइसेंस मिल सकता है? देखो, लाइसेंस बनने का समय 6 महीना भी लग जाता है, 6 महीना से कम भी लगता है, किसी किसी को 7 महीना भी। बट मैंने तो वीजा का कितना बोला था? 6 महीना बोला। बिफोर 1 ईयर हो जाएगा 100%। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुमको लाइसेंस नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, ये जान। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ले जाएगा तुमको हेल्पर में छोड़ दे। कंपनी हेल्पर में तुमको खटाएगी ज़्यादा दिन, तो उसको नुकसान है। किसको? कंपनी को नुकसान है, क्योंकि हेल्पर में खटाएगी तो 600 रियाल में खटाएगी। क्यों तुमको ये ज्वाइनिंग सैलरी 1100 दे? क्यों? उसकी मजबूरी है। बात समझ में आ रहा ना? तुम 1 साल